सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। वी आर बैक फॉर द नादर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं R15 वर्जन 4 के बारे में। तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमें फोटोज़ दिखाई पड़ी हैं वो R25 है या फिर R3 है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि क्या वो R25 है या फिर R3 है या R15 वर्जन 4 है। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको वो बताता हूँ कि ये R15 वर्जन 4 है या फिर R25 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो गाइस, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो स्पॉटेड हुआ है बाइक, उसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये R25 है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं R15 वर्जन 4 है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये R3 है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि आप टेल लाइट देखेंगे इस बाइक का, तो टेल लाइट आपको यहाँ पे R15 वर्जन 3 का ही देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं जो डिज़ाइन है बाइक का, वो सेम टू सेम R15 वर्जन 3 की तरह है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम है R15 वर्जन 3 की तरह। डिज़ाइन देख लीजिए, टेल लाइट देख लीजिए, और 140 mm का टायर भी आप देख सकते हैं, जो कि सेम टू सेम है R15 वर्जन 3 से। और गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आप बाइक को, और बाइक में बाकी कोई चेंजेस नहीं है R3 होता तो यहाँ पे जो टायर है 140 या 160 सेक्शन का होता, लेकिन यहाँ पे अगर जो टायर है वो 140 mm का ही है। सो गाइज, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये R15 वर्जन 4 ही है। और गाइज, अगर हम बात इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक में आपको 100% श्योर हूँ मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप साइड डाउन फोक्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो USD फोक्स हमें 150 cc बाइक में देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले जो इंडोनेशियन मार्केट में हमें R15 वर्जन 3 में देखने को मिलता था, वैसा हमें USD फोक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको MT15 की तरह हेडलाइट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइस, अगर आप एक बाइक के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे R15 वर्जन 4 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बाइक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइन हो गया, उसके साथ साथ पावर हो गया। और यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो पावर जो है वो 1.8 या फिर 2 BHP तक बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी बाइक आती हैं R15 वर्जन 1 से लेके वर्जन 2 या फिर वर्जन 3, जितने भी बाइक है सब में यहाँ पे BHP बढ़ा है। तो यहाँ पे R15 वर्जन 4 में भी आपको BHP बढ़ते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यही सब है R15 वर्जन 4 का। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये R25 है, तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन से ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये R25 है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो शो किए हैं आपको, वो पूरा मिलते जुलते हैं R15 वर्जन 3 से। तो यहाँ पे R25 ही आने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे टेल लाइट देखो या फिर डेल्टा फ्रेम देखें, तो हर चीज़ जो भी है वो सब R15 वर्जन 3 से मिलता जुलता है। फ्रंट की डिज़ाइन और बैक की डिज़ाइन, रियर की डिज़ाइन, जो भी आप बोलेंगे, तो सब डिज़ाइन यहाँ पे मिलता जुलता है। सो यहाँ पे R25 भी नहीं आ रहा है और R3 भी न्यू नहीं आ रहा है। और गाइज, अगर हम बात करें, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें USD फोक्स मिल रहा है, इसमें USD फोक्स मिल रहा है, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि इसमें USD फोक्स है, तो ये R15 वर्जन 4 नहीं है, ये R25 या फिर R3 है। तो गाइज, मैं ये बता दूं कि R15 वर्जन 3 की जो प्राइस है वो अराउंड 2 लाख के आसपास हो गई है, मीन्स अराउंड बोल सकते हैं 1,85,000 या फिर 90,000 के आसपास हो गई। तो यहाँ पे अगर प्राइस देखें तो 150 cc बाइक के हिसाब से इस बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो बाइक की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे R15 वर्जन 4 में हमें USD फोक्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी बाइक्स आती हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि आप देखेंगे RC125 में भी हमें USD फोक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे यामाहा इस बार पीछे हटने वाला नहीं है, इस बार टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हटा के ये USD फोक्स देने वाला है इस अपने बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे लुक भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और भी बात करें तो यहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार भी बाइक आती हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्ट को यमहा चेंज कर देता है। और देखा जाए तो यहाँ पे USD फोक्स मिल रहा है गाइस, तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोलिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। सो गाइस, बहुत लोगों का ये कहना है कि ये जो बाइक है R125 है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो R125 है, जो इंडियन मार्केट में नहीं आने वाला है,
और एक चीज़ से हम और पता लगा सकते हैं कि R125 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए R15 वर्जन 3 जो है मार्केट में, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, तो वो अपने लोअर वेरिएंट में क्यों USD फोक्स प्रोवाइड करेगा, आप इससे पता लगा सकते हैं, और हाइयर वेरिएंट में वो क्यों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देगा। तो R125 ये नहीं होने वाला, ये होने वाला ही है R15 वर्जन 4। सो गाइस थोड़े ही दिन आप वेट कर लीजिए, R15 वर्जन 4 मार्केट में जल्द आएगा। सो गाइज यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।